ईश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। मुझे पूजा करना नहीं आता, न ही मंत्रों का स्पष्ट उच्चारण कर पाता हूँ। मैंने अपनी बुद्धि भ्रांत होने के कारण जो भी न्यूनता अथवा अधिकता कर दी हो, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। हे सर्वेश्वरी, हे सच्चिदानंद स्वरूपा माँ भगवती, मैं आपका अत्यंत ही चंचल बालक हूँ। मुझसे अति उत्सुकता में यह अज्ञानतावश जो भी गलतियाँ हो गई हों, उन्हें क्षमा करो। मैंने जो मंत्रहीन पूजा किया हो, उसे आप संपूर्ण करो, क्योंकि आप विजयशालिनी हो और पापनाशिनी हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में आकर जगदम्बा कह के पुकारता है, वह आपकी कृपा का पात्र होता है। अतः माता महागौरी, आप अपनी कृपा हम बालकों पर सर्वदा बनाए रखो। आपकी कृपा से हम सुख शांति, धन संपत्ति तथा यक्ष विद्या की प्राप्ति हो। बोलो साचे दरबार। माता दी, और आज शुभ अष्टमी है। आप सभी लोगों को, पूरे परिवार को महाअष्टमी की शुभकामनाएं। हम लोगों ने भी आज नवरात्रि के अष्टमी के दिन हम लोगों ने पूरे परिवार के साथ पूजा की, और बहुत ही पॉजिटिव एक एनर्जी फील होती है फ्रेंड्स। ये तो आप भी समझते होंगे, नवरात्रि एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम लोगों को कोरोना काल के बाद तो ये कुछ ज़्यादा ही इस बार की नवरात्रि का महत्व बढ़ गया, क्योंकि पिछले एक साल से हम लोगों ने कोई भी त्यौहार, मतलब सामूहिक रूप से जो सारे लोगों के साथ मिलके और मेले वगैरह का जो इन्जॉयमेंट होता है, वो बहुत कम हो पाया, तो इसलिए भी इसका काफ़ी महत्व बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने भी फैमिली के साथ काफ़ी इन्जॉय किया होगा। आई होप कि आप लोगों ने भी पूजा की होगी और अब मेले घूम रहे होंगे, तो ये इन्जॉयमेंट काफ़ी दिनों के बाद आया है और हम सब इसको इन्जॉय करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, ये पूजा हम कर रहे हैं क्यों? इसलिए ना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव फील कर सकें, और इस समय का जो अभी माहौल है,
जहाँ निगेटिविटी चारों तरफ देखने को मिल रही है पिछले एक साल से, तो एक पॉजिटिव अभी वाइब्स नवरात्रि लेकर आई है जो कि बहुत ही स्पेशल है। सबसे बड़ी जो चीज़ होती है पूजा में वो मेन होती है आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा। जितनी ज़्यादा आप श्रद्धा और भक्ति से पूजा करेंगे वो आपकी पूजा उतनी ही सफल होगी। सफल का मतलब क्या, मतलब माता की पूजा हम क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि हमें एक इंटरनल पीस मिले, हमें एक पॉजिटिविटी फील हो। तो ऐसा नहीं है कि कोई चमत्कार हो जाता है या ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ जितने ज़्यादा आप श्रद्धा से भक्ति से माता की आराधना करोगे आपको फील होगा कि आप कहीं भी आपका कोई काम, आप जब बहुत ही लो फील कर रहे हो लाइफ में तो वहाँ पे आपको बहुत ही पॉजिटिविटी मिलती है। और सच मानिए मेरे साथ हुआ है, तो मुझे फील हुआ है, तो मुझे लगता है कि ऐसी कुछ तो पॉजिटिव एनर्जी होती है जो आपको कहीं ना कहीं इनकरेज करती है, आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। तो एज अ साइंटिफिक रीज़न भी अगर हम देखें तो ये काफ़ी अच्छा है हमारे लिए। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि मैं आज इतना सब कुछ कर पा रही हूँ तो शुरू से ऐसा करती आ रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। शुरू में भी जब मैं, एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगी, एक शेयर करना चाहूँगी ये बात कि ये जो मूर्ति है जो जिसकी मैं पूजा कर रही हूँ, जो वीडियो में आप देख रहे हैं, वो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की थी। एक मेरी बहुत ही ख़ास फ्रेंड है, कभी मैं ज़रूर मिलाऊंगी अगर वो कभी आए या फिर मैं उसके पास जाऊं तो मैं आपको वीडियो में ज़रूर उससे मिलाऊंगी। तो उसने मुझे गिफ्ट की थी और इससे अच्छा गिफ्ट मुझे नहीं लगता कि कोई और हो सकता है। और तब से मैं इन माता रानी की पूजा कर रही हूँ। और जब मैंने मुझे उसने गिफ्ट दिया था, उस समय मैं कॉलेज की लाइफ थी तो काफ़ी टाइम नहीं मिलता था, तो जितना टाइम मिलता था उतना ही टाइम में मैं जितना हो सकता था मैं पूजा करती थी। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मैं उसमें इन्वॉल्व रहती थी। तो बस श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए और बस माता की कृपा होती गई। और अभी तो मुझे याद भी नहीं है कि मैं कब से ये नवरात्रि कर रही हूँ या माता की पूजा कर रही हूँ। तो ओवरऑल मैं आई एम सो हैप्पी कि मुझे मेरी फ्रेंड ने ऐसा गिफ्ट दिया जो मेरे साथ अभी तक है। और मैं हमेशा चाहूँगी कि मैं जब तक रहूँ मैं माता की सेवा कम से कम करती रहूँ। और इट्स वेरी मतलब कि मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना इस चीज़ से अटैच फील करती हूँ, कितना पॉजिटिव फील करती हूँ। मैंने ऐसा नहीं है कि जब मुझे गिफ्ट दिया मेरे फ्रेंड ने तभी से मैं नवरात्रि करने लगी, पूजा करने लगी माँ दुर्गा की, ऐसा नहीं है। शुरू से ही मुझे ये काफ़ी फैसिनेटेड लगता था कि मैं हम शक्ति की उपासना करते हैं। तो जब हम शक्ति की उपासना कर रहे हैं तो मुझे लगता है फ्रेंड्स कि दुर्गा से अच्छा कोई भी वुमेन एम्पावरमेंट का कोई भी उदाहरण मुझे नहीं लगता कि कोई और हो सकता है। क्योंकि आप जिस भी रूप में देख लीजिए, माता रानी का हर एक स्वरूप आपको अलग सा दिखेगा, बिल्कुल अलग। आप उसको फील कर सकते हैं, अपने आसपास उसकी एनर्जी को फील कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं इसको रिलीजियस व्यू से नहीं देखती, मुझे लगता है कि ये काफ़ी मोटिवेशनल चीज़ है जिसको कि हर एक वुमेन को, चाहे वो किसी भी रूप में हो, आपको इंजॉय करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। और एज अ वुमेन मुझे लगता है कि इससे अच्छा वुमेंस डे का कोई त्यौहार मुझे नहीं लगता कि हो सकता है। तो अगर हम सब शक्ति की उपासना करते हैं, माता रानी की उपासना करते हैं, तो ज़रूरत है कि हम अपने घरों से इसकी शुरुआत करें, अपने आसपास इसकी शुरुआत करें, अपने घरों में जो भी लेडीज़ हैं, जो भी बड़े हैं, छोटे हैं, जो भी हैं, उन सबसे अच्छा व्यवहार करें, उनके प्रति अच्छी धारणा रखें।
ये एक सच्ची नवरात्रि होगी, माता रानी को एक अच्छी और सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप सभी इस बार किस नवरात्रा में एक रिजोल्यूशन लीजिए कि जैसे हम नवरात्रि में 9 दिनों तक देवी की उपासना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, उसी तरह हम सालों भर अपने घरों की जो लेडीज़ हैं या फिर हमारे फ्रेंड सर्किल में या जो भी हों हमारे जानने वाले आस पड़ोस के लोग, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करें, उनके उनकी बातों को समझने की कोशिश करें, उनको एटलीस्ट हम एक शुरुआत कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी पहल होगी। अगर आप में से कोई भी लोग ऐसा करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप लोग ज़रूर कमेंट में लिखिए कि आप लोगों ने हमारे वीडियो को पसंद किया या नहीं, अगर किया तो क्यों किया, क्या अच्छा लगा आपको इस वीडियो में, और अगर कुछ अच्छा नहीं लगा तो वो भी बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि उसको मैं अगली बार सुधार सकूँ, अगर मेरी कोई गलती आपको उसमें नज़र आई हो तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए आप लोगों को अपना ख्याल रखिएगा। आप लोगों को मैं विदा लेना चाहूँगी आप लोगों से, और तब तक के लिए आप लोग सभी दोस्तों के साथ, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ, फैमिली के साथ नवरात्रि एंजॉय कीजिए। हैप्पी नवरात्रि, शुभ अष्टमी।